हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्मूज किचन। आज का रेसिपी सत्तू का पराठा। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्तू की पराठे बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा लिया, पानी और आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल। स्टफिंग के लिए सत्तू 1 कप लिया, 1 बड़ा ओनियन को बारीक चॉप करके रखा, 2 इंच अदरक, 4 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच अचार का मसाला और ऑयल के साथ यूज़ करूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। पहले डो बनाऊँगी। आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊँगी। पराठा के डो बना लूँगी, हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स होगा। तो स्पून से पहले मैं हाथ में अच्छी तरह से मिक्स करके डो बना लेती हूँ। अच्छी तरह से मल मल के सॉफ्ट डो बना लिया और 10 मिनट साइड में छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए। अभी स्टफिंग बनाने के लिए जो सब इंग्रेडिएंट्स लिया, सत्तू, ऑनियन और ग्रीन चिली, अदरक, सत्तू मैं पहले ऐड कर देती हूँ। सारे ड्राई मसाला वो भी ऐड कर देती हूँ और जो अचार के मसाला के साथ थोड़ा सा ऑयल वो भी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसाले के साथ छत्तू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। डो भी सेट हो गया और एक बार मल के बॉल्स बना लूँगी। सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिया। अभी एक एक बॉल्स को अच्छी तरह से और एक पेड़ा बना लिया। सूखा मैदा डस्ट कर दिया। ऐसे पूरी का जैसे बना लिया। अभी इसमें स्टॉपिंग भरूंगी। जितना स्टॉपिंग अंदर आते हैं उतना ही भरने का और अच्छी तरह से चारों साइड एक साथ करके ऐसे अच्छी तरह से बंद कर देने का और हाथों से स्प्रेड कर लेने का और हल्का हाथों से और एक बार बेल के रेडी करूंगी। ऐसे सारे पराठा को पहले बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। सारे पराठा को बेल के रेडी कर लिया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तवा गर्म होने के लिए रख दिया। तवा गर्म हो गया। पहले आधा चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देती हूँ। जो सत्तू की पराठा बनाया वो रख देती हूँ। एक साइड अच्छी तरह से सेकने को बाद मैं फ्लिप करूँगी। ऊपर मैं भी ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ और फ्लिप कर लेती हूँ। दबा दबा के दोनों साइड अच्छी तरह से सेक लूँगी। दोनों साइड अच्छी तरह से पराठा को सेक लिया। प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे पराठा बना के तैयार कर लेती हूँ। सारे पराठा बन के रेडी हो गया। अब प्लेटिंग कर लेती हूँ। सत्तू की पराठा बन के रेडी हो गया। मैं रायते के साथ सर्व किया।
देखिए कितना अच्छा स्टफिंग भरा है पराठे में। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ट्रैवलिंग में लेके जा सकते हैं। और ये बिहार की एक फेमस रेसिपी है। ऐसे बनाइए और आप लोग को एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।